तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, रियलमी की बहुत सी ऐसी डिवाइसेज हैं जिसको अभी तक दिसंबर का अपडेट नहीं मिला है और कुछ ऐसी डिवाइसेज हैं जिसको 2 महीने से अपडेट नहीं मिला है। तो क्या कुछ अपडेट यहाँ पे मिल सकता है, एक्सपेक्टेड अपडेट जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप रियल मी के सॉफ्टवेयर साइट में जाओगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डिवाइस है जैसे रियल मी X2 प्रो वगैरह, इसको यहाँ पे अपडेट मिल गया है। बट जो हमारी ओल्ड डिवाइसेस है अभी इसको अपडेट नहीं। रिसेंटली यहाँ पे दोस्तों 2 दिसंबर को अपडेट मिला है रियल मी 5 और रियल मी 5S। जो नई डिवाइस है रियल मी 5S, उसको अब यहाँ पर अपडेट मिल चुका है 8.20 वाला। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस हुए कैमरे से रिलेटेड वगैरह, इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पे रियल मी 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया है डार्क मोड स्विच करने के लिए, फास्ट चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है अभी मिल चुका है। और बाकी जो डिवाइसेस की मैं बात करता हूँ जैसे कि रियलमी 1 और रियलमी U1, इन डिवाइसेस को यहाँ पे 2 महीने से लगभग अपडेट नहीं मिला है। तो यहाँ जो अपडेट है दिसंबर में, जो दिसंबर एंड है उसमें यहाँ पे रोल आउट होना चालू हो जाएगा जो भी यहाँ पे ओल्ड डिवाइसेस है उसको। और जैसे रियलमी 3 प्रो वगैरह जो डिवाइसेज है इसको यहाँ पर मिड दिसंबर में जो है अपडेट यहाँ पर मिलना तो चालू हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड अपडेट की, तो यह आप में मेरे हैं रियलमी 1 और यहाँ पे जो डार्क मोड लास्टली अपडेट में डार्क मोड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था रियलमी 1 और U1 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब डार्क मोड प्रोवाइड किया गया था तो व्हाट्सएप में कुछ इश्यूज आए थे जो फॉन्ट है क्लियरली देख रहे नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है, जो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आएगा दिसंबर में, यहाँ पर ये जो इशू है रियलमी की तरफ से फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रियलमी 5 और 5S लगभग इस इशू को फिक्स कर दिया गया है। तो ये जो अपडेट है आपको दिसंबर एंड में देखने को मिल जाएगा रियलमी 1, U1 और जो भी डिवाइसेस यहाँ पे बची है जैसे C1 और रियलमी 2 वगैरह के लिए। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पे आपको एक स्विच दे दिया जाएगा जिससे कि आप तुरंत टैप करके यहाँ पे जो डार्क मोड है उसे डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे स्विच दिया गया था लास्टली अपडेट में सिम स्विच वाला, तो यहाँ पे अभी जो डार्क मोड अपडेट के लिए आपको रियलमी लेबोरेटरी में जाना पड़ता था सेटिंग के अंदर से, तो वहाँ से अब आपको ये जो लंबी प्रोसेस है नहीं करनी पड़ेगी। और जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे बची है जैसे रियलमी 5 और 5S को छोड़ के सभी डिवाइसेस में ये जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको ये स्विच देखने को मिल जाएगा। तो जो अपडेट आपको यहाँ पर आएगा इस अपडेट में, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ये डार्क मोड वाला स्विच जो है हर मोबाइल में इनेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, जो ओल्ड डिवाइसेस हैं उसमें यहाँ पे कलर OS 7 के जो चांसेस है बहुत कम हैं। जैसे कि मैं बात करूँ रियलमी 1, U1, C1 और 2 के बारे में, तो यहाँ पे जो चांसेस है बहुत कम है। लेकिन रियलमी ने ये बोला है कि वो एक सिस्टम UI जो रियलमी के चेंजेस होते रहती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि रियलमी 1 और U1 को सबसे पहले डार्क मोड प्रोवाइड किया गया था जो रियलमी की UI के अंदर ही आता है। तो इन फ्यूचर जो भी चेंजेस होंगे, भले ही कलर OS 7 या एंड्रॉयड 10 मिले ना मिले अभी उसके चांसेस पता नहीं है, बट यहाँ पे जो सिस्टम रिलेटेड UI जो रियलमी की चेंजेस होती रहेगी वहाँ पे वो अपडेट धीरे धीरे ओल्ड डिवाइसेस को भी मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो मोबाइल है जिनमें अपडेट अभी नहीं आया है उनमें अगर सिस्टम रिलेटेड कुछ बग्स होंगे वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिए जाएंगे और कैमरे से रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो दिसंबर है दिसंबर में आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और जनवरी से तो यहाँ पर आपको पता ही है जो रियलमी 3 प्रो और XT डिवाइस है उसमें यहाँ पे कलर OS 7 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कलर OS 7 के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि रियलमी का कस्टमाइज कलर OS 7 कैसा होगा। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लीजिएगा, अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।